म्यूजियम से बहुत ही कीमती हार चोरी हो गया है। म्यूजियम का मैनेजर भागते हुए वहां पहुंचता है और डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके वहां बुला लेता है। मैनेजर मेहुल को बताता है कि वो लाखों रुपए का हार था, बहुत टाइट सिक्योरिटी में था, फिर भी वो चोरी हो गया। मेहुल म्यूजियम आने और जाने के सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखता है। दो फुटेजेस पे उसको डाउट आता है, एक आने की फुटेज और एक जाने की फुटेज। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या डाउट आया? ये लड़का और ये लड़की के कपड़े और इनके शूज एकदम सेम है, सिर्फ बाल अलग है और ये बाल लगाए हुए दिख रहे हैं, मतलब ये एक विग है, जरूर इसी ने चोरी की होगी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस को और देखता है, सिर्फ हार ही नहीं यहाँ से कुछ और भी चोरी हुआ है। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये फ्रेम ऐसी टेढ़ी क्यों है? हार तो सामने था तो पीछे की फ्रेम कैसे हिल गई? मेहुल फ्रेम हटा के देखता है तो पीछे एक खाली स्पेस रहता है। तो मैनेजर मेहुल को बताता है कि यहाँ एक पुराना मैप रखा हुआ था, लेकिन वो मैप कोई क्यों चुराएगा? वो कोई काम का मैप नहीं था, उसमें एक खजाने का नक्शा था, लेकिन उस नक्शे के रास्ते कुछ अजीब से थे जहाँ आज तक तो कोई पहुंच नहीं पाया। वो चोर हार चुराने नहीं, ये नक्शा चुराने आए थे। हार तो बस एक बहाना था ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। मैनेजर मेहुल को बताता है कि उसके पास नक्शे की एक कॉपी भी है और वो मेहुल को नक्शे की कॉपी लाके देता है और कहता है, खजाने तक पहुंचने के लिए 5 स्टेजेस है, आज तक कोई भी एक भी स्टेज पार नहीं कर पाया है, उसे पाना नामुमकिन है। इंटरेस्टिंग, मुझे उस चोर से पहले वहां पहुंचना होगा। मेहुल मैप को ध्यान से देखता है, सबसे पहले उसे एक जंगल को पार करना होगा, वहीं से मेहुल को अगले चैलेंज का रास्ता मिलेगा। मेहुल अपनी कार निकालता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कहते हैं जंगल बहुत ही खतरनाक है। मेहुल को जंगल में ऐसा पेड़ ढूंढना होगा जिसके फ्रूट रेनबो कलर के होते हैं। उस पेड़ पर चढ़कर मेहुल को आगे का रास्ता मिलेगा। मेहुल ऐसे 4 पेड़ ढूंढ लेता है, लेकिन कौन से पेड़ में चढ़ना होगा मेहुल को, क्या आप सोच के बता सकते हैं? पहले 3 से जाना खतरनाक हो सकता है। चौथे पेड़ पे देखिए पैरों के निशान है, नीचे कीचड़ है, उसके वजह से पेड़ में पैरों के निशान आ गए हैं। जरूर वो चोर ये रास्ता पार कर चुका है, ये उसी के निशान होंगे। मेहुल भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ से मेहुल को पूरा जंगल दिख रहा था और सामने मेहुल को 3 रास्ते दिखते हैं। क्या आप तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता गुफाओं तक जाता है? गलत रास्ता मेहुल को मौत के पास लेके जाएगा। तो सोचिए और मुझे बताइए ABC में से कौन सा रास्ता है। रास्ता बी गुफा तक जाएगा, कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और जंगलों में आगे बढ़ जाता है। जंगल को पार करता हुआ मेहुल गुफा के सामने पहुंच जाता है। गुफा के बाहर काफी गीला होता है और कीचड़ भी होता है। मेहुल गुफा के अंदर जाना शुरू करता है, लेकिन तभी एक थॉट मेहुल के दिमाग में आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं वो क्या थॉट है? कीचड़ के वजह से यहाँ फुटस्टेप्स बन रहे हैं, लेकिन वो चोर के फुटस्टेप्स यहाँ क्यों नहीं है? इंटरेस्टिंग। मेहुल उस चीज को इग्नोर करता है और गुफा के अंदर चले जाता है। गुफा के अंदर जाते ही मेहुल के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है। पिंजरे के ऊपर बहुत सारे स्कॉर्पियंस थे जो नीचे आ रहे थे। मेहुल को जल्दी से जल्दी पिंजरे को खोलना होगा। पिंजरे के डोर पे देखिए 4 कलर के बटन्स है, ब्लैक, व्हाइट, रेड और येलो। और क्लू के लिए एक रेनबो बना हुआ है और एक पेन ब्रश है। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए लॉजिकल आर्मी, इस क्लू से आप कौन सी बटन प्रेस करेंगे? रेनबो के सारे कलर्स को मिक्स करने पे मुझे ब्लैक कलर मिलेगा, मतलब ब्लैक बटन प्रेस होगा। मेहुल ब्लैक बटन प्रेस करता है और पिंजरे का डोर खुल जाता है। मेहुल पिंजरे से बाहर आ जाता है। मेहुल मैप को वापस देखता है तो उसे समझता है कि उसे गुफा से बाहर होकर एक नदी ढूंढनी होगी। मेहुल आगे बढ़ता है तो उसे एक नदी मिल जाती है। नदी पे स्टोन्स के ब्रिज बने हुए थे और स्टोन्स पे फ्रूट्स बने हुए थे। मेहुल स्टोन मैंगो, वाटरमेलन, चीकू और पपाया पे जम कर लेता है। अब सामने ऑरेंज और बनाना में से एक स्टोन पे उसको जंप करना है। अगर रॉन्ग स्टोन पे जंप किया तो मेहुल पानी में बह जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, किस स्टोन पे मेहुल को जंप करना चाहिए?
सारे फ्रूट सीड्स वाले हैं, एक्सेप्ट बनाना। बनाना सीडलेस है, मतलब मेहुल को ऑरेंज पे जंप करना चाहिए। मेहुल ऑरेंज पे जंप करता है और रिवर पार करके आगे बढ़ जाता है। आगे मेहुल को बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही थी, मेहुल उनमें चढ़ना शुरू कर देता है। माउंटेन काफी चिकनी थी और 100 मीटर की थी। मेहुल एक सेकेंड में 4 मीटर ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन फिर अगले एक सेकेंड में 3 मीटर नीचे स्लाइड हो जाता था। मतलब मेहुल 2 सेकेंड में बस 1 मीटर जा पा रहा था। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, 100 मीटर के माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए मेहुल को कितने सेकेंड लगेंगे? मेहुल को 193 सेकेंड लगेंगे। 2 सेकेंड में 1 मीटर मतलब 96 मीटर मेहुल 192 सेकेंड में पहुंच जाएगा। अगले 1 सेकेंड में जब मेहुल 4 मीटर चढ़ेगा तो वह माउंटेन क्रॉस कर जाएगा, तो स्लाइड नहीं करेगा। मेहुल ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि अंदर जाने के लिए 2 गुफाएं बनी हुई हैं। एक गुफा खुली है और दूसरी गुफा के अंदर बड़ा सा दरवाजा है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी गुफा सही हो? ऑब्वियस है, जहां खजाना है वो गुफा खुली नहीं रह सकती, मतलब राइट वाली गुफा सही है। लेकिन फिर भी मेहुल लेफ्ट वाली गुफा के अंदर चले जाता है, क्यों लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच सकते हैं? वो चोर इतना डिफिकल्ट मैप कभी क्रॉस नहीं कर सकता था और गुफा के सामने उसके फुटस्टेप्स नहीं थे, लेकिन ट्री पे थे। मतलब पहले वो मेरे आगे था लेकिन बाद में मेरे पीछे था। वो मेरे साथ गेम खेल रहा है जिससे मैं खजाने तक पहुंचूं और वो उसे लूट ले। इसलिए मेहुल रॉन्ग गुफा के अंदर जाता है। अंदर बहुत सारा खजाना होता है। इंटरेस्टिंग, ये जरूर नकली खजाना होगा। उतने में चोर पीछे से आता है और मेहुल को एक डंडा मार के बेहोश कर देता है और सारा खजाना उठाने के लिए खजाने के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक पिंजरा गिरता है और वो उस पर कैद हो जाता है और पिंजरे के आजू बाजू में आग लग जाती है। ये खजाना पाना इतना आसान नहीं है। मेहुल उस गुफा से बाहर आता है और सही गुफा के अंदर चले जाता है। मेहुल को एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है। दरवाजा एक कोट से लॉक्ड है और गुफा के दीवारों पे कोट को खोलने के लिए कुछ हिंट दिए हुए हैं। क्या आप हिंट को देख के बता सकते हैं इस डोर को खोलने का कोड क्या होगा? पहले फिगर में 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, इसलिए वैल्यू 4 है। दूसरे में 2 है और तीसरे में 5 है। तो क्वेश्चन वाले फिगर में 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं, तो कोड हो जाएगा 5। मेहुल कोड 5 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है और अंदर मेहुल को बहुत सारा खजाना दिखता है। मेहुल हेलीकॉप्टर से पुलिस को वहां बुला लेता है और सारा खजाना लोगों की मदद के लिए भिजवा देता है। मेहुल वापस फिर गलत गुफा में जाता है, लेकिन वहां चोर नहीं रहता है और खजाना भी गायब होता है। इंटरेस्टिंग, मतलब ये चोर को अभी भी नहीं समझा कि ये नकली खजाना था। मैंने उस खजाने में ट्रैकर फेंक दिया था, अब ये चोर का बॉस कौन है पता चल जाएगा। मेहुल नकली खजाने को ट्रैक करता हुआ एक पुराने से घर के सामने आ जाता है, जहां उसे खजाने के साथ म्यूजियम का मैनेजर भी मिलता है। मुझे पहले ही समझ गया था ये तुम्हारा प्लान है। वो मैप दीवार के पीछे छुपा हुआ था, ये किसी को कैसे पता हो सकता है? और कोई असली नक्शे की कॉपी क्यों बनाएगा और मुझे क्यों देगा? तुम चाहते थे कि मैं वहां पहले पहुंचूं और खजाना लूट लूं, लेकिन तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।